अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर। हुसैन भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। रमज़ान में कुछ लोग हैं चंदा चौरा जो रोड पे निकल के गरीब लेडीज़ को पकड़ के 1500 रुपये दे के वीडियो बना रहे, तो वो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम डोनेट करो लोगों को। कुछ लोग अच्छे भी है ये नहीं बोल रहा, कुछ लोग गलत है। अगर आप किसको भी ज़कात दे रहे पहले तो अपने खानदान में देखिए, बस्ती में देखिए, जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ देखिए, जहाँ गरीब बच्ची की शादी है वहाँ पर अपने हाथों से दीजिए। ऐसा सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को डोनेट करना गलत बात है मेरे भाई। एक एक नहीं 10-10 पेशा डाल के करोड़ों रुपये अमरीका ऑस्ट्रेलिया से लोग लूट रहे, तो ऐसा क्या करे? म्यूजिक लगा दे रहे, रोने की लगा दे रहे, इमोशनल म्यूजिक लगा दे रहे। देखो मेरे भाई, आपके मेहनत का पैसा है। ये लोग एसीओ में फिर रहे, महंगे महंगे गाड़ियों में फिर रहे, महंगे बंगलों में महंगे बड़े बड़े दावत कर रहे, तो आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों में मत आइए। आज का हमारा माजरा किधर इतना गलत होगा पूछो ना। को एक चावल अगर कोई गली में कोई बांट रहा तो औरत की सेल्फी ले रहे, चावल का थैला दे रहे, फिर दूसरी औरत आ रही तेल का डब्बा दे रहे, सेल्फी ले रहे, फिर दूसरी औरत आ रही एक आटो का आटा 5 किलो आटे का पैकेट दे रहे, उसकी वीडियो डाल दे रहे। अगर आप ज़कात देना है, अल्लाह को राजी करना है, तो पहले अपने महल्ले में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, गरीब बस्ती में देखिए। ऐसा वीडियो बना के आप लोग गुमराह करके लोगों को पैसे लूट रहे। आप लोगों से मैं अदमन गुजारिश करता हूं, मैं ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिए। जैसा नीलफर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में अपने हाथों से खैर खैरात करिए। किसी को ग्लूकोज को पैसे नहीं, किसी को इंजेक्शन को पैसे नहीं, किसी को घर का किराए को पैसे नहीं। इतना माजरा खराब हो गया पूछो मत। अब स्टार पार्टी की दावत करते, फोटो ले लेते, फेसबुक पे डाल देते, खजूर अपन खोलते भी नहीं रोजा फेसबुक पे आ जाती, सहरी ना करते अपन फेसबुक पे आ जाती। तो ऐसा मत करिए, किसी घर में खाने को खाना नहीं है, उनका मजाक उड़ाया जैसा दिख रहा मेरे भाई। अदमन आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे मैडम भी दो सवाल बोलेंगे। सबको रमजान मुबारक। और अपने इस्लाम में यह है कि पहले अपने पड़ोसी को, अपने हकदार रिश्तेदारों को, सबको अपनी मदद कीजिए। जो बोल रहे वो भी फोटो डाल दे रहे कर रहे तो गलत है। आप सीधे जाइए, उनको मदद कीजिए। जो गरीब है, जो मांगने के लिए औरतें निकलती रही है, घर में रहती बेवा है, यतीम है, उनको दीजिए। और बहुत बहुत रमजान मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप ऐसी जगह, मतलब अब रमज़ान का महीना आ रहा है, अपने को रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो आप ऐसे काम करिए कि नेक काम करिए, बल्कि मतलब ऐसे आप ऐसी जगह मत पैसे अपने ज़कात के हो या कोई दो बेकार जगहों पे मत खर्चा कीजिए। आप अपने पैसे फजूल में मत कीजिए, पहले अपने पड़ोसों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए, फिर उसके बाद गैर और गरीब और बेवा छोटे जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनका ख्याल कीजिए। कपड़ों का थोड़े ऐसे रहते कि अपने को बाजार में दिखते रहते हैं, जो कपड़े नहीं रहते उनके बदन पे, उनको कुछ दिलवाइए और उनको खाने का भी कुछ इंतज़ाम करके दीजिए जब का जब ही, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा जैसे कोई गरीब बच्चियां हैं जिसके शादी नहीं हो सके, पैसे नहीं रहने की वजह से शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके अपना फाइन फाउंडेशन में कुछ हेल्प ले लेके, और उन अपने से नहीं हो सक रहा तो फाउंडेशन में भी अपन कुछ बात करके तहकीकात करके अपन कुछ हेल्प करके उनको शादी करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया पे ऐसा दावे लेडीज की वीडियोस की बच्चियों से बोलिए सोशल मीडिया, लोगों के जो वीडियो आ रहे सोशल मीडिया पे।